तो उसे कमरे में अपनी दोस्त को तलाश करने गई थी। पर मुझे क्या पता था कि मुझे मेरी दोस्त तो मिल जाएगी, पर पहले जैसी नहीं मिलेगी, क्योंकि आज जो उसके साथ हुआ था वह जानकर आप लोग भी हैरान रह जाएंगे और सोचने लगेंगे कि क्या भगवान का बनाया हुआ मनुष्य इस हद तक पहुंच चुका है कि अब वह कुछ भी कर सकता है। मैं आप लोगों को यह सच्ची कहानी सुनाने से पहले इतना जरूर कहना चाहती हूँ कि अब यह समाज समाज नहीं रहा। इसे समाज कहना छोड़ दें, अब यह एक जंगल है और जो यहाँ पर शिकारी नहीं होता है वह यहाँ पर शिकार होता है। और मेरी दोस्त के साथ भी यही हुआ था, क्योंकि वह खुद शिकारी नहीं थी इसलिए शायद शिकार हो गई। उसका नाम माला था। वह बहुत ही ज्यादा सुंदर और खूबसूरत थी। उसकी बड़ी बड़ी आंखें मुझे बहुत अच्छी लगती थीं। उन आंखों में बड़े बड़े ख्वाब भी थे और उम्मीदें भी थीं। वह अपने परिवार वालों के लिए, अपने देश के लिए कुछ करना चाहती थी। हम लोग मेडिकल कॉलेज में पढ़ते थे और डॉक्टर बन रहे थे और हमारे आखिरी दिन थे। इसके बाद हमारी ड्यूटी भी शुरू होने वाली थी। पता है, बहुत से लोग डॉक्टर बनना चाहते हैं, पर उसके पीछे सिर्फ दो वजह होती है। असल में दो वजह ही होती है, बताई तीन जाती है। पहली यह होती है कि डॉक्टर को बहुत ज्यादा पैसे मिलते हैं, अच्छी नौकरी मिल जाती है। अगर दिन में वह सरकारी नौकरी करे, शाम में अपना क्लिनिक बनाकर भी बैठ सकता है। धड़ाधड़ कमाई होती है, हाथ में पैसा ही पैसा होता है। दिन में 100 मरीज देखने वाला डॉक्टर एक दिन में ही 20,000 कमा लेता है, तो सोचे महीने के उसके कितने पैसे बन जाते होंगे। दूसरी बात यह कि कहने में अच्छा लगता है कि मैं एक डॉक्टर हूँ, या आपके माँ बाप गर्व से यह कह सकते हैं कि हमारी बेटी डॉक्टर है, हमारा बेटा डॉक्टर है। बस इतना सुनकर ही अच्छा रिश्ता मिल जाता है कि लड़का या लड़की डॉक्टर है, और यह समझेंगे इंसान की सारी जिंदगी एक अच्छे रास्ते पर बदल जाती है। लेकिन माला की ऐसी कोई सोच नहीं थी। लोग तीसरी वजह यह बताते हैं कि हम इंसानियत की सेवा करना चाहते हैं, पर ऐसा कुछ नहीं होता। जब आप डॉक्टर बन जाते हो तो आपको सिर्फ अपनी पगार से मतलब होता है। आपके हाथ में अपनी पगार आ जाए, उसके अलावा आपको कुछ नजर नहीं आता है। यहां तक कि कभी कभी डॉक्टर मरीज से भी तंग आ जाता है कि मरीज कैसे सवाल कर रहा है। सरकारी अस्पताल में नौकरी मिल जाए तो बड़ी अच्छी बात होती है, लेकिन सरकारी अस्पताल में सारे अनपढ़ और गरीब लोग आते हैं जिनको ज्यादा बातें भी नहीं आती, वे सवाल भी ज्यादा पूछते हैं। लेकिन माला ऐसी नहीं थी, वह सबका बहुत ख्याल करती थी। लोग नाइट ड्यूटी से दूर भागते थे, लेकिन वह जानबूझकर नाइट ड्यूटी लेती थी। कहती थी कि रात में भी तो मरीजों को किसी की जरूरत हो सकती है, अगर हम सारे ही नाइट ड्यूटी करने से इनकार कर देंगे तो फिर करेगा कौन। यहां तक कि जब उसकी बारी नहीं होती थी और हम कहते थे कि नहीं सर, हम नाइट ड्यूटी नहीं ले सकते, तब और वह खुद ही नाइट ड्यूटी लेकर हम सबको भी बचा लेती थी। हम ऐसे अस्पताल में काम करते थे कि यहाँ पर डॉक्टर बनना भी सिखाया जाता था। लेक्चर्स होते थे, क्लासेस होती थी, और साथ ही एक अस्पताल भी था, यानी कि लर्निंग हॉस्पिटल था। यहाँ पर हम लोगों ने पढ़ाई की और अब हाउस जॉब के लिए इधर ही हमारी नौकरी लग गई थी। मैं उसको कहती थी कि इतनी ज्यादा अच्छी बनने की जरूरत नहीं है कि लोग तुझे गिलाने वाला समझ के निकाल जाएं, पर वह कहती थी कि मैं बड़ी मुश्किल से डॉक्टर बनी हूं। मेरी माँ ने अपना गहना बेचा है, मेरे बाप ने अपनी छोटी सी गाड़ी बेच दी, मैं एक छोटे से शहर से आई हूं और यहां आकर अब डॉक्टर बन गई हूं, तो मैं इंसानियत की सेवा नहीं करूं तो फिर मेरा यह सब करने का क्या फायदा। पैसा तो कोई और काम करके भी मिल जाता है। एक औरत के लिए पैसा कमाना क्या मुश्किल होता है, वह तो गलत काम करने से भी मिल जाता है। पर हमें हमेशा सही काम करना चाहिए, यही जिंदगी है। उसकी बातें मुझे कभी भी लेक्चर नहीं लगती थी, बल्कि बहुत अच्छी लगती थी। लेकिन आज उसे हाल में देख रही थी, हैरान थी। मुझे याद है यह अगस्त का महीना था और उसकी नाइट ड्यूटी थी। आज मेरी भी नाइट ड्यूटी थी। डॉक्टर ने कहा था कि एक ही डॉक्टर की बार बार नाइट ड्यूटी आती है, कम से कम उसके साथ तो कोई हो, क्योंकि आज मरीज भी ज्यादा थे। हम लोगों की शिफ्ट बहुत लंबी हो गई थी, 36 घंटे गुजर चुके थे। जब किसी डॉक्टर की नाइट शिफ्ट होती है तो इसका मतलब यह नहीं होता कि वह पूरी रात आपके लिए जागता रहता है। नाइट शिफ्ट डॉक्टर का यह मामला होता है कि डॉक्टर रात को अस्पताल में ही होता है,
आप उससे मदद ले सकते हैं, लेकिन बिल्कुल इमरजेंसी की स्थिति में। ऐसे नहीं कि किसी की ड्रिप खत्म हो गई हो तो उसके लिए डॉक्टर को बुलाया जाए कि आगे ड्रिप निकाल दे। यह काम तो कोई स्टाफ भी कर सकती है, यानी कि किसी मरीज की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो जाए, अचानक से कोई केस आ जाए तो फिर डॉक्टर अपनी ड्यूटी देता है। वरना अस्पताल में कमरा बनाया जाता है नाइट शिफ्ट वाले डॉक्टरों के लिए। वहां पर बिस्तर भी होते हैं, डॉक्टर वहां पर जाकर सो सकता है और जब किसी को इमरजेंसी होगी तो वहां के डॉक्टर को वहां से बुला सकता है। क्योंकि रोज रोज इमरजेंसी नहीं होती और पूरी रात कोई भी इंसान जाग नहीं सकता, इसलिए हर अस्पताल में यह सुविधा मौजूद होती है। माला बहुत ज्यादा सुंदर थी। वह कोई ऐसी सुंदर नहीं थी कि उसको देखकर कोई यह कहता कि कितनी सुंदर है, जैसे कोई परी हो, लेकिन उसके अंदर एक अजीब सी कशिश थी। वह बहुत ही ज्यादा प्यारी थी, बहुत ज्यादा अच्छी लगती थी, और सबसे अच्छी बात यह थी कि उसके अंदर बहुत ही ज्यादा एहसास था। वह बड़े प्यार से बात करती थी। जब वह बोलती थी तो ऐसा लगता था कि जैसे इस दुनिया में सब कुछ ठीक है, कोई मसला ही नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, यह दुनिया एक बहुत अच्छी जगह है और रहने के काबिल है। वह कुछ लोग होते हैं ना आपकी जिंदगी में जो आपके लिए कुछ करते तो नहीं है और आपको पता भी नहीं होता कि वे आपके लिए कुछ कर सकते हैं या नहीं, लेकिन जब आप उनको देखते हैं तो आपके दिल को एक सुकून सा महसूस हो जाता है। आपको ऐसा लगता है कि बस ये है तो सारा कुछ ठीक है। बस मुझे भी माला को देखकर ऐसा ही लगता था। हम लोगों ने बहुत ज्यादा काम किया था, लेकिन वह अभी भी जाग रही थी। मैंने उसे कहा कि मैं जा रही हूं, तू भी आ जा, नहीं तो हमें खुद डॉक्टर की जरूरत पड़ जाएगी। इस बात पर वह हंसने लगी और उसने कहा कि हाँ मैं आ रही हूं, बस एक बार एक राउंड मार लेती हूं, किसी को कोई जरूरत ना हो, वरना फिर हमें जगाने आएंगे, फिर तेरी नींद भी खराब हो जाएगी। मैंने कहा कि हाँ यह भी ठीक है। मैं तो जाकर उस कमरे में लेट गई। थोड़ी देर के बाद माला भी आ गई, आकर मेरे पास ही लेट गई थी, यानी थोड़े फासले पर, और कमरे की छत की तरफ देखकर कह रही थी कि तुझे पता है इस दुनिया में कितने जालिम लोग हैं। मैंने कहा कि हम डॉक्टरों से जालिम कौन होगा, तो उसने कहा कि अरे नहीं वह बात नहीं है, हमारा काम ऐसा है, लेकिन हमारा मकसद इलाज करना होता है, पर दुनिया में ऐसे ऐसे लोग हैं, ऐसी ऐसी हरकतें हो रही हैं कि मैं तुझे क्या बताऊं। मैंने कहा कि तुझे अचानक से यह सब कुछ क्यों याद आ गया और क्या हो रहा है, क्या तुझे किसी बात के बारे में पता चला है, क्योंकि मैंने सुना है कि हमारे अस्पताल के बारे में उल्टी सीधी बातें हो रही हैं। उसने कहा कि हाँ बातें तो हो रही हैं, लेकिन मुझे कुछ पता नहीं है, खैर मैं कुछ और सोच रही थी, बस यह देखकर कि इस दुनिया में बड़े जुल्म हो रहे हैं यार, मेरी तो प्रार्थना है कि काश यह दुनिया थोड़ी ज्यादा रहम दिल होती, हर किसी के लिए, हर लड़की के लिए, हर औरत के लिए, हर इंसान के लिए, तो फिर यह दुनिया रहने के लिए एक अच्छी जगह होती। पर तू खुद बता, आजकल यहां हो क्या रहा है, क्या यह दुनिया रहने के काबिल रह गई है। मैंने उसे कहा कि बात तो तेरी ठीक है, लेकिन फिर हम यहां से और कहीं जा भी नहीं सकते हैं। उसने कहा कि मेरे घर वाले मेरे लिए रिश्ता तलाश कर रहे हैं। जैसे उसने यह बात की मैं हैरान रह गई। मैंने कहा कि तूने मुझे पहले क्यों नहीं बताया, तो कहने लगी कि अभी बता रही हूं ना, और एक हफ्ते पहले से ही बात चल रही है, सब कह रहे हैं कि अब तो मैं 31 साल की हो गई और डॉक्टर भी बन गई हूं, अब तुम्हारी शादी करवानी है। मैंने उसे कहा यार तुम्हें शादी करनी है तो डॉक्टर वर्मा से क्यों नहीं कर लेती, वह तुझे इतना पसंद करते हैं, दोनों डॉक्टर होंगे तो एक दूसरे की रूटीन को समझोगे। माला कहने लगी कि यह सारी बातें होती हैं कि दो लोग एक फील्ड से हो तो एक दूसरे का एहसास करते हैं। अरे जिसने एहसास करना होता है ना, उसका फील्ड से होना जरूरी नहीं होता, वह वैसे ही एहसास कर लेता है, और जिसने एहसास नहीं करना होता, वह चाहे फील्ड का हो जाए, उसको पता हो कि आपकी रूटीन क्या है, वह फिर भी एहसास नहीं करता। मैंने उसे कहा कि तू बातें बड़ी अच्छी करती है, लेकिन तेरी बातें हमेशा सच होती हैं। ऐसा ही है, पर फिर भी वह आदमी बुरा नहीं है। इस बात पर माला ने कोई जवाब नहीं दिया। डॉक्टर वर्मा हमारे अस्पताल का सबसे सुंदर डॉक्टर था। सारा स्टाफ, डॉक्टर सब उसे देखकर आंखें भरती थीं
और कहती थी कि अभी इसकी शादी नहीं हुई है। पता नहीं वह खुशकिस्मत लड़की कौन होगी जिसके साथ इसकी शादी होगी। एक दफा तो माला ने भी कहा था कि देखने में बहुत सुंदर है, लेकिन अभी माला उसके नाम पर ही थोड़ी सी गुस्से में नजर आने लगी और उसने जवाब भी नहीं दिया। हम इसी तरह बातें करते करते थोड़ी देर को सो गए। बीच रात मेरी आंख खुली तो मैंने देखा कि माला अपनी जगह पर नहीं थी। मुझे लगा कि कोई इमरजेंसी हुई होगी तो वह उठकर चली गई होगी। हम डॉक्टर जितना थक के सोते हैं, एक दफा आंख बंद कर ली तो फिर सुबह ही पता चलता है कि अच्छा सुबह हो गई। ऐसा लगता है कि 4 सेकंड ही सोए हैं, और ऐसी नींद नहीं लोगों को आती है जो बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं, और हम भी तो मेहनत का ही काम करते थे। मैंने देखा वह वहां पर नहीं थी। मैं मुंह उस तरफ करके सो गई। थोड़ी देर के बाद जब मैं बाहर निकली, मुझे किसी मरीज ने नहीं बुलाया था। मैं उसका काम करके आसपास देखने लगी कि माला कहाँ गई है, लेकिन वह मुझे कहीं भी नजर नहीं आ रही थी। 2-3 बार ही थी यहां पर जिस तरफ हमारी ड्यूटी होती थी। अस्पताल तो यह बहुत बड़ा था, लेकिन वह इधर नहीं थी। फिर मुझे लगा कि किसी दूसरे हिस्से में गई होगी, क्योंकि अस्पताल बहुत बड़ा था। हो सकता है कुछ चीज खत्म हो गई हो जो लेने के लिए गई हो, या उधर कोई मरीज आया हो। अभी सुबह होने में वक्त था जब मैंने देखा कि साइड पर एक कमरा था जिसका दरवाजा खुला हुआ था। यह कमरा भी हमारे कमरे जैसा ही था, यहां पर भी आराम किया जा सकता था, लेकिन इधर जमीन पर सिर्फ एक गद्दा पड़ा था और अस्पताल की कुछ व्हील चेयर और लोहे के बड़े एक साइड पर रखे हुए थे। यह पहले तो कमरा ही था, लेकिन ऐसा ऐसा रूम बनता जा रहा था, क्योंकि जिसका जो दिल करता है वह कूड़ा कबाड़ उठाकर इस कमरे में रख देता था। मैंने सोचा कि इसका दरवाजा क्यों खुला हुआ है, और इस तरफ से तो बाहर का रास्ता भी था। लोग आते जाते थे। सुबह हो रही थी। हमारे अस्पताल में एक रूल था कि रात के वक्त अगर किसी मरीज के साथ कोई आदमी आया है तो वह अंदर नहीं रुक सकता था, बल्कि वह बाहर इंतजार करता था। लेकिन जब सुबह के 6 o'clock बजते थे तो सुबह के 6 o'clock से लेकर रात के 9 o'clock बजे तक आदमी लोग भी अंदर आ सकते थे। इसलिए मुझे सोचा कि मुझे यह कमरा बंद कर देना चाहिए, क्योंकि यह न हो कि इधर से कोई आए और कोई लोहे की चीज उठाकर सीधा ही निकल जाए। किसी को पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि कुछ एक हफ्ते से हमारे सारे अस्पताल के CCTV कैमरों को भी बंद कर दिया गया था, जबकि आज तक ऐसा नहीं हुआ था। बताया यह जा रहा था कि कैमरे खराब हो गए हैं, इसलिए दोबारा से नए लगवाने पड़ेंगे। खराब कैमरे चलाने का कोई फायदा नहीं, इसलिए बंद कर दिए गए हैं। मैं उस कमरे का दरवाजा बंद करने लगी थी जब मैंने सामने का मंजर देखा। मुझे कुछ अजीब सा दिखाई दिया। 4 सेकंड में ऐसे खड़ी थी कि जैसे मेरे अंदर सांस नहीं है, और फिर मैंने अपनी पूरी ताकत लगाकर अपने हलक के अंदर से वह चीख निकाली जो मेरे सीने में ही दब के रह गई थी, और मैं बुरी तरह से चिल्लाई। मेरी चीखों की आवाज सुनकर वहां स्टाफ आने लगा, और जब उन्होंने भी सामने देखा कि यह क्या दृश्य है, तो वह मुझे वहां से दूर ले जाने लगे, जबकि मैं आगे आगे बढ़ने लगी, पर वह मुझे वहां से दूर ले गए। मैं पागलों की तरह चिल्लाई थी, माला माला उठो माला उठो। मुझे नहीं पता था कि वह जिंदा है या नहीं, लेकिन दूर से देखने से ऐसा लग रहा था कि जैसे वह बेहोश है। मैं खुद डॉक्टर थी, अगर मेरी दोस्त को कुछ होता मैं क्यों ना उसकी मदद करती, लेकिन इन लोगों ने मुझे मदद भी नहीं करने दी, चेक भी नहीं करने दिया, देखने भी नहीं दिया। बस वही जो मैंने एक नजर देखा था, उसके बाद ये लोग मुझे वहां से ले गए। मैं बहुत ज्यादा परेशान थी। उसके बाद मुझे उस तरफ जाने नहीं दिया जा रहा था। सुबह हो गई थी और माला कहीं पर भी नहीं थी, क्योंकि माला शायद अब मुझे कभी दिखाई भी नहीं देती, मुझे कभी नजर नहीं आती। वह शायद कभी किसी की सहायता न कर पाती, किसी के जख्मों पर मरहम न रख पाती, क्योंकि अब वह इस दुनिया में नहीं थी और वह उसी कमरे में ही पड़ी थी। उसके साथ क्या हुआ था यह अभी पता नहीं था, लेकिन उसकी हालत बहुत बुरी थी। उसके शरीर पर कोई कपड़ा नहीं था। मुझे वहां से भगा दिया गया था, और अब मुझे कहा जा रहा था कि तुमने इस मामले में कुछ नहीं बोलना, नहीं तो तुम्हें निकाल देंगे।
हमें लगता है कि डॉक्टर माला ने खुदकुशी कर ली है, यानी कि उसने आत्महत्या कर ली है और अपने आप को खत्म कर लिया है। पर ऐसा कैसे हो सकता था? वह इतना बड़ा कदम नहीं उठा सकती थी। वह एक बहुत ही अच्छी और जिंदगी से भरी हुई लड़की थी। वह कभी भी नाउम्मीद की बातें नहीं करती थी। उसकी जिंदगी के कुछ वक्त थे और मुझे रात को बता रही थी कि मेरी शादी होने वाली है, मेरे माँ बाप मेरे लिए रिश्ता देख रहे हैं। ऐसे में वह क्यों अपनी जान को खुद खत्म करेगी? और अगर उसने आत्महत्या की थी तो फिर उसकी ऐसी हालत क्यों थी? मुझे भी सही तरीके से पता नहीं चल रहा था, कोई बता नहीं रहा था। लेकिन थोड़ी देर के बाद एक खबर पूरे अस्पताल में आग की तरह फैल गई और मेरे कानों तक भी पहुंच गई थी। वह खबर यह थी कि डॉक्टर माला के साथ बहुत बुरा हुआ है और यह बुरा करने वाले कोई 8 से 10 लोग हैं। कहां गए हैं किसी को पता नहीं है। डॉक्टर माला इस दुनिया से जा चुकी है और अस्पताल वाले यह कह रहे हैं कि डॉक्टर माला ने आत्महत्या कर ली है। मेरे दिल पर क्या गुजरी थी मैं जानती थी। मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे जो कुछ माला के साथ हुआ वह माला के साथ नहीं बल्कि मेरे साथ हुआ है। अस्पताल में ऐसे लोग अंदर आ सकते हैं और उसके साथ यह सब कुछ हो सकता है। मुझे भी बुला लिया गया और कहा कि तुमने अपनी जुबान नहीं खोलनी है, तुमने कुछ नहीं देखा, क्योंकि अगर तुमने अपनी जुबान खोली और किसी को भी कुछ बताया तो हमारे अस्पताल की इमेज बहुत खराब हो जाएगी। यहां पर ना तो कोई पढ़ने के लिए आएगा और न ही कोई डॉक्टर करेगा। अगर तुमने कोई भी शिकायत करने की कोशिश की हम तुम्हें इस अस्पताल की नौकरी से निकाल देंगे और तुम्हारे खिलाफ केस बनाएंगे कि तुम अच्छी डॉक्टर नहीं हो, तुम्हारे हाथों में कोई मरीज खत्म हुआ है, फिर तुम्हें किसी और अस्पताल में भी नौकरी नहीं मिलेगी। मैं भी माला की तरह गरीब घर से ही थी और अपने माँ बाप का जेवर बेचकर डॉक्टर बनी थी, इसलिए मैं चुप हो गई। लेकिन मेरा दिल किस कदर परेशान था और कैसे फटा जा रहा था यह सिर्फ मैं ही जानती थी। जब माला के घर वालों को फोन किया गया तो मैं वहीं पर मौजूद थी। फोन के अंदर से आवाज आ रही थी, जब उनको बताया कि आपकी बेटी नशे में डूबी थी और उसने आत्महत्या कर ली है, उसके बाप ने ऐसी बात की कि मेरी आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा कि मेरी वाली माला की बात कर रहे हैं आप? कैसे प्यार से कहा था उसने कि मेरी माला की बात, और उसकी माला भी इस दुनिया में नहीं रही थी। सर ने कहा कि हाँ उसी की बात कर रहे हैं, उसने आत्महत्या कर ली है। लगता है उसकी जिंदगी में कोई लड़का था जिसके पीछे उसने यह सब कुछ किया है। आप आ जाएं, उसकी बॉडी कलेक्ट कर लें और हम लोग मजाक नहीं कर रहे हैं। एक तो फिर आपको यह बात बता रहे हैं कि आपकी बेटी माला शर्मा ने आत्महत्या कर ली है। आप लोग आ जाएं ताकि बाकी की कार्यवाही हो सके और आपकी बेटी को आपके हवाले किया जा सके, नहीं तो पुलिस केस बन जाएगा। मैं तो माँ बाप के बारे में सोचकर आज तक दुखी हूँ जिनको ऐसी खबर मिली। जब वह वहां से अपने घर से निकले होंगे किस तरह निकले होंगे? क्या वह रो रहे होंगे? क्या एक दूसरे से यह बात कर रहे होंगे कि पता नहीं सच है या झूठ? अपनी बेटी को बार बार नंबर मिला रहे होंगे लेकिन उसका फोन बंद जा रहा होगा। फिर इतना लंबा सफर करके, बोलो, यहां पहुंचे तो अस्पताल वालों ने बॉडी देने से इनकार कर दिया और कहा कि अभी कुछ बातें हैं जो हम देख रहे हैं। उन्होंने यह तो बता दिया था कि माला इस दुनिया में नहीं है और एक नजर माला को दिखाया भी था। उसके माँ बाप की हालत बहुत अजीब थी, दोनों ही बूढ़े थे। उनकी एक ही बेटी थी और उसके दो भाई और भी थे। हालत बड़ी खराब थी दोनों की। मुझे उसकी माँ जानती थी, मेरे से पूछने लगी। मुझे जो पता था मैंने बता दिया और यह भी बताया कि अस्पताल वाले मुझे भी धमका रहे हैं, कहते हैं कि आपको नौकरी से निकाल देंगे। उन्होंने कहा कि तुम FIR नहीं करो, हम तुम्हारा नाम कहीं भी नहीं लेंगे। मैं उनको कैसे तसल्ली देती? 3 घंटे का इंतजार करवाने के बाद उन्होंने माला को उसके माँ बाप के हवाले किया और वह वहां से उसे ले गए। पोस्टमार्टम भी करवाया गया था। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट ऐसी थी कि देखकर आंखों में आंसू आ जाते थे। जिसको भी इस बारे में पता चलता वह हैरान रह जाता था। उसके बाद मैं वापस अपने घर आ गई। मुझे भी बड़ी मुश्किल से छोड़ा था। बार बार मुझे कह रहे थे किसी को कुछ बताना नहीं, और मेरा जो फाइनल बयान लिखवाया था
उसमें मुझसे यह लिखवाया गया था कि मुझे कुछ नहीं पता। मैं तो सो रही थी, माला भी कमरे में सो रही थी, लेकिन सोने से पहले वह यह कह रही थी कि मैं आत्महत्या करना चाहती हूं। जब मैंने पूछा तो उसने बताया नहीं कि वजह क्या है, और उसके बाद जब मैं सुबह उठी तो वह आत्महत्या कर चुकी थी और मैंने उसे कुछ ऐसी हालत में देखा था। मुझसे यह बयान ले लिया गया और मैंने भी दे दिया, क्योंकि मैं भी अपने मां बाप की इकलौती बेटी थी। क्या मैंने अपनी दोस्त के साथ गद्दारी की थी? शायद हां। मेरे दिल पर दो बोझ थे, एक तो यह कि मेरी दोस्त इस दुनिया से चली गई, वह भी ऐसे बुरे तरीके से, और दूसरा बोझ जो मेरे दिल पर था वह यह था कि मैं उसके लिए कुछ कर नहीं सकी। उल्टा मुझे अपना बयान भी बदलना पड़ा। कैसा जमाना था। मैं घर आ गई, लेकिन शाम तक यह देखकर हैरान रह गई थी कि माला के लिए पूरा शहर निकल आया था। सब लोगों को बात का पता चल गया था। बात बाहर कैसे निकली यह कोई नहीं जानता है। यहां तक कि तस्वीरें और वीडियो भी वायरल हो गई थीं। माला इस दुनिया से चली गई, उसकी अंतिम घड़ी भी गुजर गई, लेकिन अब सब लोग उसके लिए इंसाफ मांगने के लिए सड़कों पर निकल आए थे। अभी भी पता नहीं चल रहा था कि यह सब कुछ क्यों हुआ था। बताया ही जा रहा था कि उसने आत्महत्या की है, और असल बात यह बताई जा रही थी कि कुछ लोग अचानक से उसके कमरे में घुस आए और उन्होंने माला के साथ बहुत बुरा किया। लेकिन मेरा दिल कह रहा था कि बात कोई और है। ऐसा क्यों लगता था कि जैसे माला के साथ कोई दुश्मनी निकाली गई थी। लेकिन उसका तो कोई भी दुश्मन नहीं था जो उसके साथ इतना बुरा करे। फिर यह सब क्या हो रहा था? पूरा शहर जमा हो गया। उसके बाद ऐसी ऐसी रिपोर्ट सामने आई कि हम लोग हैरान रह गए। इतने सारे लोग माला के लिए निकले थे, मैं भी उन लोगों में शामिल थी। सब लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे और माला के लिए इंसाफ मांग रहे थे। हमारे अस्पताल का प्रिंसिपल अभी भी यही कह रहा था कि लड़की ने आत्महत्या की है, उसकी निजी जिंदगी में कुछ मामला होगा जिसकी वजह से उसने आत्महत्या कर ली। अब उसकी गलती यह है कि उसने हमारे अस्पताल में आत्महत्या की तो हम भी फंस गए हैं। प्रिंसिपल साहब को अपने अस्पताल की इमेज की पड़ी हुई थी। वह बार बार यह भी कह रहे थे कि हमारा अस्पताल इस देश का बहुत बड़ा अस्पताल है, यहां से पता नहीं कितने अच्छे अच्छे डॉक्टर निकले हैं, और आप लोग कैसे हमारे खिलाफ बातें कर सकते हैं। मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। आत्महत्या करना किसी भी व्यक्ति की अपनी मर्जी होती है, कोई उससे ना तो करवाता है न वह किसी की बातों में आकर करता है, बल्कि वह यह काम खुद ही करता है, और यह बात आप लोगों को भी पता है। अब कोई ऐसा करता है तो इसमें अस्पताल वालों का क्या कसूर है? उन्होंने एक ही सबक याद किया हुआ था जिसको वह किसी रोबोट की तरह सब लोगों को सुनाते फिर रहे थे अपने अस्पताल को बचाने के लिए। बार बार यह कह रहे थे कि लड़की ने आत्महत्या की है, जबकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में साफ लिखा हुआ आया था कि आत्महत्या का मामला था ही नहीं। कुछ दिन और इसी तरह गुजर गए। अभी भी इंसाफ मांगा जा रहा था कि किसी तरह उन लोगों को पकड़ा जाए, उन्हें सजा दी जाए। लोग इस कदर गुस्से में थे कि कह रहे थे कि अगर यह काम पुलिस या कॉलेज वालों से नहीं होता तो हम खुद उन लोगों को तलाश करेंगे और ऐसी सजा देंगे कि सबको पता चल जाएगा कि किसी औरत के साथ बुरा करने की सजा कितनी बुरी हो सकती है। लेकिन वह लोग इतनी चालाकी से भागे हुए थे, अभी तक पता नहीं चल रहा था कि कहां हैं। पर फिर बीच की बात पता चल गई। मामला कुछ ऐसा था कि अस्पताल के लोग, जिसमें प्रिंसिपल भी मिला हुआ था, वह अस्पताल में कुछ बुरा कर रहे थे, इंसानी अंगों की स्मगलिंग कर रहे थे, और इस बात के बारे में माला को पता चल गया था। इसलिए उसको चुप करवाने के लिए उसके साथ यह सब कुछ किया, और दोबारा कोई इन लोगों के खिलाफ आवाज न उठाए। इसलिए उसकी हालत इतनी बुरी हालत बन जाए कि जो उसको देखे उसके बारे में सोचे वह अस्पताल वालों से डरे, और यह डर उनके दिल में बैठ जाए कि इनके खिलाफ जो भी कुछ बोलता है उसके साथ यही होता है। आज इस बात को 10-12 दिन हो गए हैं। हम अभी भी माला के लिए इंसाफ मांग रहे हैं, सड़कों पर निकल रहे हैं। हैरान हूं कि कितने लोग हैं जो उसके लिए सड़कों पर निकले हैं। मैं तो सोचती थी कि शायद इंसानियत खत्म हो गई है, कोई किसी के लिए नहीं निकलेगा,
लेकिन सिर्फ अपने देश के लोग ही नहीं, आसपास के लोग भी जो दूसरे देशों में रहते हैं, जो इस चीज को समझते हैं, जो हमारी जबान और हमारे कल्चर से थोड़े भी करीब हैं, वह भी इस मामले पर बोल रहे हैं, इंसाफ मांग रहे हैं और माला से हमदर्दी कर रहे हैं। उन लोगों को भी फिक्र है एक लड़की की जो अभी दुनिया में तो नहीं है, लेकिन कम से कम उसे इंसाफ तो मिलना ही चाहिए। मेरे दिल पर भी एक बोझ है। मैं इस बोझ को कम करने के लिए ही यह कहानी किसी तरह आप लोगों तक पहुंचा रही हूं, क्योंकि सब लोगों को असल बात का पता होना चाहिए ताकि लोग उसकी मदद करने के लिए बाहर निकलें और सब मिलकर आवाज उठाएं ताकि कुछ ना कुछ हो जाए। माला एक छोटे से परिवार, एक छोटे से शहर से थी, जहां से किसी आम लड़की का डॉक्टर बनकर निकलना कोई आसान या आम बात नहीं होती है। उसे उसके लिए बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती। डॉक्टर वही बनता है जो मेहनत करता है, और ऐसे छोटे से शहर से उठकर डॉक्टर बनना एक बहुत बड़ी बात है। कुछ डॉक्टर बहुत ज्यादा बदतमीज होते हैं, मरीज के साथ बदतमीजी करते हैं, उसके साथ आए हुए लोगों के साथ बुरी बुरी बातें करते हैं, उनको बाहर निकाल देते हैं। ये नहीं समझते हैं कि कोई भी इंसान जो मरीज के साथ आता है वह अस्पताल को शुद्ध समझकर नहीं आता। उसे कोनों कोनों में जाकर यह नहीं देखना होता कि यह अस्पताल कैसा है, कौन सी चीज कहां पड़ी है। जाहिर है वह अपने मरीज के लिए ही परेशान होता है, लेकिन कुछ डॉक्टर उसे बुरी बुरी बातें सुना देते हैं और कहते हैं कि हम संभाल लेंगे, आप यहां से चले जाओ। मुसीबत तो वही होती है ना जो आपके अपने ऊपर होती है। दूसरे की मुसीबत तो आपके लिए कुछ नहीं होती। दर्द तो वही होता है जो खुद को होता है। जो दूसरे को होता है वह दर्द थोड़ी होता है, वह तो नाटक होता है। इस तरह के डॉक्टर भी होते हैं और हर इलाके, हर शहर, हर देश में होते हैं, और हम सब जानते हैं कि हमारा भी कभी ना कभी ऐसे डॉक्टर से पाला जरूर पड़ा। लेकिन अगर मैं माला की बात करूं तो मैं अभी भी यह सोच सोच कर रो रही हूं कि एक तो वह बहुत अच्छी डॉक्टर थी, और फिर वह कितनी ज्यादा अच्छी डॉक्टर थी। वह सिर्फ डॉक्टर ही नहीं थी, उसे इंसानों से प्रेम था। वह कहती थी कि मैंने सबकी सेवा करनी है। अपने से ज्यादा वह अपने मरीजों के बारे में सोचती थी, कहीं भी गलती नहीं करती थी। बहुत तेज थी, उसके अंदर काम करने की सच्ची लगन थी। वह कभी भी अपने काम से थकती नहीं थी। वह कहती थी कि जो काम करने के मैंने सपने देखे, मैं उस काम को करने से क्यों परेशान होंगी, मैं तो कभी भी नहीं थकूंगी। वह ऐसे तेज तेज भागती, एक मरीज भले उसे 10 दफा बुलाता, वह कभी भी गुस्सा नहीं करती थी। उसके चेहरे से भी नजर नहीं आता था कि उसको गुस्सा आ रहा है, बल्कि वह अच्छे तरीके से जवाब देती थी और अच्छे तरीके से बात करती थी। नाइट ड्यूटी भी तो इसीलिए बार बार लगवाती थी, क्योंकि मुझे पता था कि नाइट ड्यूटी मुश्किल होती है, लेकिन रात में भी मरीजों को डॉक्टर की जरूरत होती है। इस देश को, सच अस्पताल को, ऐसे इलाके को एक बहुत अच्छी डॉक्टर से महरूम कर दिया। नहीं तो वह बहुत अच्छी डॉक्टर बनती और इससे भी ज्यादा नाम बनाती, लोगों की मदद करती, क्योंकि ऐसे लोग हजारों में कम होते हैं। लेकिन मैंने एक बात देखी है कि अच्छे लोग जल्दी मर जाते हैं। कहते हैं कि जब तक इस दुनिया में एक भी अच्छा इंसान बाकी रहेगा, तब तक यह दुनिया खत्म नहीं होगी। इसलिए शायद सारे अच्छे इंसान ही सबसे पहले इस दुनिया से चले जाते हैं और बुराई देर से मरती है। बस अब वह हमारी यादों में है। उसकी तकलीफ, उसका दर्द तो खत्म हो गया, लेकिन हम सब लोगों का शुरू हो गया, क्योंकि उसने जाते जाते हमें यह दिखा दिया कि इस दुनिया में कितने बुरे बुरे लोग मौजूद हैं, और हम लोग यहाँ पर महफूज नहीं हैं, सुरक्षित नहीं हैं, क्योंकि यहाँ पर ऐसे बुरे लोग भी रहते हैं। और जो लोग इस समाज में नए और आगे लेकर आ रहे हैं, अपने बच्चे पैदा कर रहे हैं, उनको चाहिए कि वह अपने बच्चों का ख्याल रखें और उनको इतना मजबूत और बहादुर बनाएं कि कल को उनके साथ बुरा करने वाले के साथ वह खुद ही लड़ सके। अब हर इंसान को हीरो बनना पड़ेगा। एक हीरो सारी दुनिया को नहीं बचा सकता, हम सबको अपना हीरो भी बनना पड़ेगा। आप लोग बताइएगा कि आपको इस बारे में पहले से पता था या नहीं, और यह जानने के बाद आपको कैसा लगा, और आप इस बारे में क्या कर रहे हैं। क्या आपने भी बाहर निकलकर उसका साथ दिया है, या कहीं पर कोई ऐसा छोटा सा भी कदम उठाया है जिससे यह पता चले कि आप उस बेचारी लड़की के साथ खड़े हैं। जितना हो सके
उतना डॉक्टर के लिए आवाज उठाएं ताकि उस दरिंदे को सजा मिल सके जिसने इतनी बड़ी हैवानियत को अंजाम दिया। दोस्तों, वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।